ये मेरी ये नलकी कट चुकी है, देख सकते हैं। देखते हैं आपने कौन सा पसंद आता है। ये देखो फिक्स्ड प्राइस है 140 है, तो अपन 140 फाइनल कर रहे हैं। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Sapraj, और आप देख रहे हैं All the Thing Tech। फिलहाल मैंने इसका अभी हैंडल मॉडिफिकेशन का काम रोक दिया दोस्तों, और अभी मैं जा रहा हूँ इसका टायर चेंज कराने। आप देख सकते हो टायर मैंने इसका खुल लिया दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे इस टायर में एक छोटी सी कील लग गई थी, तो मुझे लगा कि शायद पंचर हो रखा है। तो आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले, काफ़ी टाइम हो गया, जब मैंने अपनी बाइक पल्सर 150 को 180 में ड्यूल डिस्क में मॉडिफाई किया था, तो उस टाइम मैंने ट्यूबलेस टायर नहीं लगाया था। एक्चुअली ये टायर ट्यूबलेस है दोस्तों, 120/80/17 आप देख सकते हैं। ओके, ये ट्यूबलेस था, बट ये थोड़ा सा घिसा हुआ था, पुराना था, तो इसलिए मैंने अंदर इसमें ट्यूब लगा दी थी। तो अब तक तो इसने ट्यूब ने मेरा साथ दिया बहुत अच्छे से, लेकिन अभी जब मैं इसके पास इसको जब मैं इसे लेकर पंचर वाले के पास में गया, तो उसने दिखाया कि मेरी ये नलकी कट चुकी है, देख सकते हो दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मेरी नलकी कट चुकी है। तो अब क्योंकि मैंने इसको 3 साल तक यूज़ कर लिया दोस्तों, और ये टायर भी लगभग ख़त्म ही हो गया, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसमें नया टायर डलवाऊंगा। चलिए चलते हैं टायर वाले के पास में, और देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा अपने अपने इस बाइक के लिए। तो अब हमें इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ये रिम लेके जाएंगे। और तक मैंने 120/80/17 नंबर का टायर डाला हुआ था, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे और अपग्रेड करूँ, 130 नंबर का डालूँ, जो कि अपनी RS200 में इंस्टॉल्ड होती है, 130 या 140 जो अपनी R15 में इंस्टॉल्ड होती है। ओके, तो या तो 130 सेगमेंट का डालूंगा या 140 का। ओके, चलिए चलते हैं टायर वाले के पास में। ये दोस्तों मैंने अपना अलॉय व्हील इस थैले के अंदर, ओके, और चलते हैं अपने स्कूटी पे, और ये देख सकते हैं अपनी बाइक अभी खुली पड़ी। चलते हैं, दिनेश भी आने वाला है। ओके, और बाकी डिटेल मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दूंगा। दिनेश भाई को भी ले लिया अपने साथ में, वो कहते ना एक से भले दो, दो से भले चार, तो अकेले जाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैंने कहा दिनेश को भी ले लेता हूँ। देख सकते हो मास्क खोल दे, खोल दिया दिनेश, हाय बोल दे यार दोस्तों। हाय दोस्तों, आ गए हम जेके टायर की दुकान पे। ओके, और ये है नाथ भाई, नजर का दोस्त, देख सकते हो नाथ भाई साथ के पास में, और अंदर यहाँ टायर टॉप का और लुक आ चुका है। बाहर से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, ये फ्रंट टायर सामने रखे हुए हैं, और ये रियर टायर यहाँ रखे हुए हैं। तो देखते हैं अपने को कौन सा पसंद आता है और कौन सा लगाता हूँ। यार मैं तो सोच रहा था ना कुछ पेस्ट वगैरह लगा के चिपकाते होंगे, मैं सोच रहा कुछ पेस्ट वगैरह चिपका के लगाते होंगे, वैसे हवा बढ़ती। हाँ, वो तो नलकी तो लगा दी, मैं टायर चढ़ाया तो अब रिम और टायर के बीच में गैप भी तो आया ना। प्रोसेस शुरू करते हैं अपना, ये रिंग रहा, इसको लेके चलते हैं अलॉय व्हील को। ओके, और 140 फाइनल किया मैंने, देते हैं भाई को आप बोलोगा ये, और ये देखो फिक्स प्राइस है 140 है, तो अपन 140 फाइनल कर रहे हैं। 130 थोड़ा सा कम लग रहा है, और 140 मस्त लग रहा है, लगा दो भैया।
ये ऑयल होता है, ग्लू होता है भैया? ऑयल होता है। इस टायर की गारंटी वारंटी क्या है? 5 साल की गारंटी होती है। 5 साल की, वो आप मेरे को बिल में लिख के दोगे ना? 5 साल की वारंटी। गारंटी गारंटी है, वारंटी है, गारंटी है भाई। मतलब अगर कुछ भी हो जाता है तो सीधे चेंज है आप? नया टायर दोगे आपको? नया टायर जब मिलेगा, जब आदमी दिखाएगा, जब आपको वारंटी रहती है भाई साहब, वारंटी गारंटी नहीं है किसी। अच्छा, मैं वही चीज़ तो पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, जितना अच्छा उतना उतना पे करना पड़ेगा, है ना? हाँ, उतना पे करना पड़ेगा मेरे को, है ना? और यदि अगर ये कट फट जाता है अपने आप ही तो? अच्छा, BR-41 होगा। हाँ, BR-41 है। ये ब्लेज है, ब्लेज। ब्लेजर राइडर, ब्लेज राइडर। पट पट की आवाज आई और ये सेट। ब्लेज राइडर। BR-41। प्रेशर चेक कर लेते हैं। कितना प्रेशर है? तो हो गया अपना काम, अब चलते हैं यहाँ से और इसको अपनी बाइक में लगाते हैं। तो हो सकता है मुझे अपनी साइड को कंपल करना पड़ जाए। चलिए चलते हैं, देख सकते हैं, फिर करते हैं। चले दिनेश। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का लुक आया अपनी गाड़ी का। और मैंने वो अपना रेयर मडगार्ड जो अपने इस टायर के ऊपर मैंने लगा रखा था वो मैंने रिमूव कर दिया है। और ये देखिए, आप पीछे से लुक देख सकते हो गाड़ी का, बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा ऊंची सी लग रही है और कुछ इस तरह का। और ये देख सकते हो, ये मडगार्ड खोल के मैंने यहाँ साइड में रख दिया। ओके, अब गाड़ी का लुक बड़ा ही ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों। टायर की ग्रिप बहुत ही मस्त लग रही है, कतई जहर। एक अलग ही फील आ रहा है दोस्तों, अलग ही वेट आ रही है, अलग ही मोटाई से आ रही है। ओके, एक ज़बरदस्त लुक आ रहा है, लुक ओवरऑल बहुत ही अच्छा आया दोस्तों। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे देता हूँ। एक्चुअली ये टायर मुझे पड़ा है 2950 रुपये का और इसकी वारंटी मुझे 5 साल की मिली है दोस्तों। कटने फटने या फूलने पर टायर रिप्लेस होकर अपने को नया मिल जाएगा। लुक ओवरऑल देख सकते हैं आप मेरे इस टायर का और इस बाइक का, बड़ा ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है, एक स्पोर्ट लुक आ रहा है, बहुत हैवी सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कितनी हैवी हो, कितना हैवी टायर हो, कितना मोटा टायर हो। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए कि मैंने इसको सेलेक्ट किया 140/70/17। मैं आपको सेगमेंट दिखा देता हूँ अगर आपको वहाँ से ना। ये देखिए दोस्तों, है ना, 140/70/17। ओके, तो बड़ा ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा है। कोई ज़्यादा हैवी वेट भी नहीं है और ज़्यादा वजनी भी नहीं है। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ और कुछ हट के ही ट्राई करता हूँ, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।